वेलकम टू फूड कुटोर, मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट रहती है। और आज हम बनाएंगे परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में मिलते इंग्रीडियंट्स से बन जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता कैसे बॉईल किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पानी, यहाँ पे मैंने बहुत सारा पानी लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप पास्ता, अगर ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 150 ग्राम है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 कप पानी लिया है। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ पास्ता। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, थोड़ा सा, आधा टीस्पून जितना होगा। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, करीबन 1 टीस्पून जितना। बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि पास्ता नीचे चिपके नहीं, और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और बीच बीच में हिलाते जाएंगे। पास्ता बॉईल होता है तब तक हम व्हाइट सॉस बना लेंगे। तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में, इसे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। एक साइड में व्हाइट सॉस बना लेती हूँ। इसके लिए सबसे पहले दूध गर्म करना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ml दूध। दूध को मैं साइड में गर्म करने के लिए रख देती हूँ। साइड में हिलाते जाएंगे पास्ता को 1-2 बार, और एक साइड मेरा दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड में मैदे को रोस्ट करती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बटर। इसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा, और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। और मैदा अच्छे से रोस्ट हो जाए तब तक इसे सेकना है, एकदम लाइट गोल्डन कलर आए तब तक इसे शेक लेंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखें और इसे कंटिन्यू हिलाते जाइए। एक बार मैं दूध को भी हिला लेती हूँ ताकि नीचे चिपके नहीं। जैसे ही मैदा रोस्ट होता जाएगा, ये जो मैदा है वो हल्का होता जाएगा, और बटर के साथ इसे अच्छे से रोस्ट करना है। पर खास ध्यान रखें इसे डार्क कलर नहीं लाना है। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस ऑफ कर देती हूँ। मैदा हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूध मैं एक गैस पे ले लेती हूँ, गैस की फ्लेम एकदम स्लो है, और ये मैदा वाला जो मिक्सचर है वो हम दूध के अंदर डालेंगे। मैदे के अंदर आपको दूध नहीं डालना है, दूध के अंदर मैदा डालना है, ये जो हमने रोस्ट किया हो। और तुरंत ही इसे कंटिन्यू विस्क की मदद से हिलाएंगे। एक साइड हम पास्ता को भी हिलाते जाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। अभी गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। जैसे ही मैदा दूध में डालेंगे थोड़ी देर के बाद वो ठीक होता जाएगा। व्हाइट सॉस हमारा ऑलमोस्ट होने आया है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक। इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे वापस कंटिन्यू हिलाएंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून चीनी, ये टोटली ऑप्शनल है। अब देख सकते हैं हमारा व्हाइट सॉस है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, और मैदा भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो रेस्टोरेंट में इसे डाला जाता है, वो है नटमेग पाउडर, जायफल पाउडर। पिंच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो एक कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। तो जस्ट पिंच आपको नटमेग पाउडर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। व्हाइट सॉस हमारा रेडी है, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। एक साइड में पास्ता भी चेक कर लेती हूँ।
अब देख सकते हैं पास्ता का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है और इसे बॉईल करना है एटलीस्ट 12-13 मिनट बॉईल होने में लगता है। पास्ता हमें 80% बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पता चले कि पास्ता बॉईल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देते हैं और गैस हम बंद कर देंगे और ढककर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, डायरेक्ट टैप वाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से धो लेते हैं ताकि ऊपर जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। हल्के हाथ से इस तरह से धो लेना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। इसमें एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकाल देंगे। तेल ले लेती हूँ हाथ में और इसे हल्के हाथ से इस तरह से कर देंगे ताकि ये जो पास्ता है ठंडा होने के बाद एक दूसरे पर चिपके नहीं। आप देख सकते हैं हमारे पास्ता है वो कितने बढ़िया रेडी हुए हैं। बस पास्ता हमारा बॉयल होके रेडी है, वाइट सॉस हमारा रेडी है, पास्ता हमने अच्छे से बॉयल करके रख दिया है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं गैस ऑन करती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून क्रश किया हुआ गार्लिक। आपको खास ध्यान रखना है ये जो गार्लिक है वो इसकी पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसा रफली क्रश होना चाहिए। मैंने चिली कटर में क्रश किया हुआ है। अगर आपके पास सैलरी हो तो आप सैलरी भी डाल सकते हैं। सैलरी की जो स्टेम रहती है इसे फाइनली चॉप करके डालना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 कप गाजर। गाजर मैंने कच्चे लिए हैं तो थोड़ा मैं तेल के साथ इसे सौते कर लेती हूँ। फ्यू सेकेंड के बाद इसमें मैं बाकी के वेजिटेबल्स डालूंगी। पास्ता में वेजिटेबल्स थोड़े क्रंची रहते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे बॉईल करके या ब्लांच करके नहीं लेना है, कच्चा ही मैं ले रही हूँ। इसी के साथ अगर आपके पास बेबी कॉर्न है तो बेबी कॉर्न ले सकते हैं, जुकीनी हो तो जुकीनी भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी एक्जोटिक वेजिटेबल्स हो वो ले सकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें ब्रोकली। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ग्रीन कैप्सिकम। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ बेल पेपर। बेल पेपर मैं 1/2 कप ले रही हूँ और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौटे करें। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 कप बॉयल कॉर्न। कॉर्न को बॉयल करते समय इसमें मैंने पिंच चीनी और पिंच हल्दी डाला था। ये वेजिटेबल्स है इसे पकाना नहीं है, क्रंची रखना है और गैस की फ्लेम हाई कर दे और हाई फ्लेम पर इसे सौटे करें। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ वाइट सॉस। वाइट सॉस को इस तरह से विस्क की मदद से अच्छे से हिला के बाद में डालें। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बॉयल पास्ता। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप क्रीम। फ्रेश क्रीम ले रही हूँ और क्रीम से बहुत ही पास्ता टेस्टी बनते हैं, आप क्रीम ज़रूर डालें और अच्छे से डालें। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ग्रेटेड चीज़। यहाँ पे मैं 1/2 कप चीज़ ले रही हूँ। चीज़ का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओरेगानो मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब में थाइम, रोजमेरी और बेजिल है।
और इसी के साथ इसमें डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा टेबल स्पून, और मैंने मिक्स हर्ब 1 टीस्पून लिया है, और इसी के साथ मैंने ओरेगानो भी आधा टीस्पून लिया था। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप दूध। दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, एक कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आपको पानी या दूध लेना पड़ेगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ब्लैक ऑलिव्स। मुझे व्हाइट पास्ता में ऑलिव्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपके पास हो तो ज़रूर डालें। पास्ता हमारा रेडी है। कैसे पता चलेगा कि ये पास्ता हमारा रेडी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वाइट सॉस है वो अच्छे से पास्ता को कोट होना चाहिए, तो इसका मतलब है हमारा पास्ता परफेक्ट है। आप देख सकते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी वाइट सॉस की, तभी जाके इस टाइप का पास्ता आपका रेडी होगा। वाइट सॉस पास्ता के साथ अच्छे से कोट हो चुका है, पास्ता हमारा रेडी है। सर्व कर लेते हैं। पास्ता हमारा रेडी है, इसके साथ हम गार्लिक ब्रेड सर्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर, और इसे मेल्ट होने देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक जस्ट थोड़ा सा। तुरंत ही इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, थोड़ी सी पार्सले या कोरिएंडर, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। अब ये जो ब्रेड है इसे मैं इस तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। ये पास्ता की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।